नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में जब मैं दुबई से घर आया था वो जर्नी शेयर कर रहा हूँ। मैं काठमांडू से पहुँच गया था यहाँ पर 24 जनवरी 2021 के दिन बोरा। तो बोरा से मैं अभी घर की ओर जा रहा हूँ, गाड़ी से उतर गया। हालांकि गाड़ी में घर तक जा सकता था लेकिन पापा जी को उल्टी आया, तो इसलिए पापा जी ने बोला गाड़ी में नहीं बैठते। तो हम लोग सामान को कैरी करके बस पैदल ही चल दिए शॉर्टकट रास्ते से। यहाँ रास्ता देखिए, धूल ही धूल है, देखिए नीचे ऐसा है। अब थोड़ा आगे आने के बाद में कुछ इस प्रकार से भूस्खलन हुआ लगता है, और ये हमारे गाँव से दिखने वाला पहाड़ दिख रहा है जो सामने, और इस तरह बोझा उठाए हुए मैं चल रहा हूँ, और मेरे पीछे पीछे पापा जी आ रहे हैं वो भी झोला उठा करके। ये मेरा लगेज है, लगेज बोले तो सूटकेस है। तो इस प्रकार से चलता हुआ, और देखिए चारों ओर का वातावरण एकदम क्लीन है और खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से दिखने वाला जाजरकोट भी कुछ मनोरम ही है। ये थोड़ा थोड़ा जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है आपको, वो है जाजरकोट। अभी मैं बोरा गांव के पास पहुँचने वाला हूँ, और रास्ता वही है, धूल ही धूल वाला, पूरा का पूरा कपड़ा पूरा बर्बाद हो गया। क्या करना, घर जाकर नहाना पड़ेगा। ये बिजली के खंभे है, केंद्रीय लाइन जो कि इंडिया से लाई गई बिजली है, सरकार नेपाल सरकार ने लगाया, जो नेपाल में वही लाइन है। तो देख सकते हैं आप ईश्वर का नज़ारा। इस तरह पैर लड़े रहे हैं बीजो का बस्ता चेकिंग करो सिप लेने तो गए कस्ता सा सिप लेने मेरे जूता तो भरोसा ही नहीं था फिर खरलक बार चिफ ले त गयो तली फिर आओ तली फिर आओ यो हिलो छ यहाँ ठीक है भुनेसिया उल्कासन गरे अनि मेरा उनके कहीँ हाउछन गरे तेरा मार्दै के आउँछन् केही छैन। भगवान्को आराधनामा भगवान्को शरणमा हुनुपर्छ, विश्वास गरिन आमा। खाने पानी हो यो? ए खाने पानी हो गरे। नेपालको त अनि मूल शुद्ध मूल हो नि। चलिए पानी पीते हैं, क्या करना, नेपाल में पहुंच गए, अभी ठंडी ठंडी धारा के पास में पानी पी रहा हूँ मैं। ये ताजी, ये ताजी। गोट में लगा था? हाँ, गोट में ये है मैं। कहाँ लगा? ये तो गाँव लगा। पानी भर ले जाऊँ बोतल में, उतर झार पोखा करूँ ना, घर घर पुगने पुगने बेला ते करूँ। त्यति भए त के चाहियो र? चल्ला सानो टिमाटर चलाउँदै माथि हाली गिर्न पुर्याउँछ। यस्तो बाटोमा हिँड्नु पर्छ ठिकै त हो, म केही चम्काउँछु क्या। यस्तै बाटोमा बोकेर हिँड्नु पर्छ। मेरो अस्ति काट्यापछि 90-95
चिप्लेपछि त ऊ तल हो तल किन हुँदैन हो त पानी भए त सब उत्पादन त धुम्छ यहाँ जमिन खोला भुटेले खाल्छ भनेर आजभोलि त यसलाई कति पनि छन् दुई तिन लाख एक डेढ लाख भए पनि किनेर राख्नुपर्छ कुनै जमानामा काम लाग्छ क्या त्यस्तो जग्गा केही जग्गामा नोक्सान छैन पहिला त त्यत्रातिर 50,000 पुरै खुवाइकन तिनी हुने म सबै ल मोटो हुँदै खुवाउँदै क्या बुद्धि भयो होला त्यस्तो भविष्यको बारेमा नसोचेर फेरि ल्यायो त रोड देख्नु म तेरो पनि माथि बमनागरसम्मको त्यो पाल्नु छ अनि जम्मा उति कुन र हजारले लैजाउ अनि तल तिमीले वरिपरि दुईवटा घर बस्या भालुवा पनि र परिमटर तिमीले आफल बस्या परसम्म त्यो पलाट 10,000 लैजाउँ त कान्छ साथीले त्यो भए कस्तो हुँदो नै भविष्य सोच्या भए त अहिले त अझै खाले चाहिँ नै हिन्दी माटो ऐला खाने त खोजिनु अब बिस्तारै आयो बिस्तारै ऐला खा खुल्ने खुल्ला कि डबल काट पहिला सिङ्गल थियो अहिले डबल काट बाटो काटे आज उता